चलो चलते हैं। ये मिल्किंग हो रही है ब्लैक गाय, एकदम ब्लैक इसका जो है तो बच्चा है, पूरा फुल ब्लैक ये बछिया है और ये गाय है। थोड़ा बिजाय और पीछे हो जाओ मंदिर साइड। हाँ ऐसे ये जो धुआं हो रहा है क्योंकि इस समय जो है मच्छर और माछी बहुत ज्यादा जानवरों को खाते हैं, तो दूध निकालते समय बड़ी परेशानी होती है, तो ये मजबूरी में किया जाता है धुआं। और धुआं ये जो लगाने के बाद भी रहता है क्योंकि धुआं से काफी दूर तक जहां तक धुआं जाता है वहां तक के जो है माछी और मच्छर इधर उधर हो जाते हैं, इनको काटते नहीं। विजय अब इसके बाद किसको लगाओगे? बहुत ही वातावरण हरा भरा है इस समय, चारों तरफ धान की क्यारियां लगी हुई हैं। केला बहुत बढ़िया तैयार है और ये बीही भी जो है काफी पेड़ हैं जो फले हुए हैं। ये छत में भी कुछ जो सुखाने जा रही हैं क्योंकि यहाँ छत का भी काफी उपयोग किया जाता है, इस समय बरसात में थोड़ा सा कम रहता है।
कितनी सरल गाय है ये। ये दूध निकल चुका है, विजय ने काफी मेहनत की है। इस बरसात में आधी बाल्टी दूध बहुत है, क्योंकि इतना माछी मच्छर वगैरह परेशान करते हैं। विजय हाँ? बोल दो थोड़ा सा। क्या बोले? चैनल को, चैनल को हाँ पापा जी क्या बोले? चैनल को सब्सक्राइब करिए। वो तो करेंगे ही। बोलो बोलो। नहीं बोलना। हाय गाइस। हाय गाइस। ये दो गाय लग चुकी हैं, अब ये धुआं लेकर के तीसरी गाय के पास जा रहे हैं, क्योंकि धुआं बहुत जरूरी है, तो ये साथ में धुआं लेके चलते हैं। बड़े बुजुर्ग और बहुत अच्छे इंसान हैं ये, पूरे गांव की सेवा इन्हीं के अंडर में रहती है। और ये एक बल्टी हो चुका है दोनों को मिला करके, और अब तीसरी का नंबर है। नहीं लिया है।